दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों और पहाड़ियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अरावली पर्वत श्रेणियों के बारे में डिस्कशन किया था। उसी कंटिन्यूएशन में आज हम विंध्यन माउंटेन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपने पहले भी मैप में देखा था, विंध्यन पर्वत जो है वो ये वाला हिस्सा है। आज हम इन दोनों पर्वतों की बात करेंगे, ये विंध्याचल पर्वत और ये सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों का डिस्कशन हम आपसे करेंगे। आप देख रहे हैं, जैसे हमने कल प्रायद्वीपीय भारत के बारे में इससे पहले कहा था, ये पूरा जो ट्रायंगल बनता है ये अरावली और विंध्यांचल से इसकी उत्तरी सीमा, फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से इसकी ये दोनों सीमाएँ बनती त्रिभुज की। उन्हीं में से जो उत्तरी सीमा पर स्थित विंध्याचल विंध्यन पर्वत और ये जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है, इनका डिस्कशन हम करेंगे, जिनका विस्तार आप यहाँ देख रहे हैं कि गुजरात राज्य से लेके आगे यहाँ पहुँच के बिहार तक राजमहल की पहाड़ियों तक पहुँच जाता है। उसी तरह से यह सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश के पूरे हिस्से को कवर करते हुए आगे बढ़ता है। इन दोनों पर्वतों के बारे में आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे। विंध्यन पर्वत राइजेज एन एस्कार्पमेंट, एस्कार्पमेंट का मतलब होता है कगार टाइप की चीजें, कगार फ्लैंकिंग द नदर्न एज ऑफ द नर्मदा सोन ट्रफ, यानी नर्मदा और सोन का जो ट्रफ है, जो घाटी है, उन दोनों नदियों द्वारा निर्मित घाटी के किनारे पर एक कगार के रूप में यह फैला हुआ है। फ्लैंक मतलब उसको घेरता हुआ है, उसके किनारे पे एस्कार्पमेंट की तरह, यानी कगार की तरह, वो हिस्सा जो किनारे बिल्कुल एक कगार की तरह ऊपर उठा हुआ होता है इस नर्मदा और सोन के ट्रफ, इट मीन्स नर्मदा नदी के उत्तर में, जिसको हम कह सकते हैं नर्मदा जो नदी है, नर्मदा और सोन के द्वारा बनी हुई जो घाटी है, उसके उत्तर में एक कगार की तरह, एक दीवार की तरह इस विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। इट रन्स मोर ऑर लेस पैरेलल टू द नर्मदा वैली, ठीक है, ये लगभग लगभग समानांतर है, बिल्कुल इसका विस्तार है किसके, नर्मदा घाटी के। किस दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में। अभी आपने मानचित्र में देखा है कि पूरब से लेके और पश्चिम तक पूरा एकदम इस तरह से लगभग लगभग उसके सारे सारे नर्मदा नदी है, तो उसके सारे सारे बिल्कुल उसके समानांतर ये पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत है, गुजरात में, जोबट गुजरात में जो जगह है वहाँ से लेके सासाराम बिहार, यानी गुजरात से लेके बिहार तक लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई में। ये लंबाई जो लिखी हुई है कुछ किताबों में कम, कुछ में थोड़ा बड़ा ज़्यादा है, तो एवरेज हम मान लें लगभग लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई में ये गुजरात से लेके बिहार तक इसका विस्तार है। द विंध्यास आर कंटिन्यूड ईस्टवर्ड, यानी जहाँ इसका नाम विंध्यन है उसके आगे पूरब की तरफ बढ़ता हुआ ये अलग अलग नामों से, इसमें भटनेर शामिल है, कैमूर की पहाड़ियाँ शामिल हैं और पारसनाथ की पहाड़ियाँ शामिल हैं। यानी जैसे जैसे हम पूरब जाते हैं तो ये एक बाकायदा श्रृंखलाबद्ध रूप से विंध्यन के साथ साथ ये पहाड़ियाँ हैं, भटनेर की, कैमूर की और पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और इनका जो औसत ऊंचाई है विंध्याचल पर्वत की, पूरी यहाँ से लेके गुजरात से लेके आगे तक की बिहार तक की औसत ऊंचाई तो 300 से लेके 650 मीटर है। ये भी किताबों में आपको अलग अलग थोड़ा मिल सकता है ये डेटा, लेकिन ये 300 से 650 जो है ज़रूरी नहीं कि फिक्स है, कहीं कहीं ये ऊंचाई इस 650 से ज़्यादा मीटर की भी है। एक बड़ी खास बात यह है, ये विंध्याचल पर्वत चूंकि इसके दक्षिण में नर्मदा नदी है और उसकी दीवार की तरह ये खड़ा हुआ है, तो इसका ढाल जो है वो विंध्यन पर्वत का दक्षिण की तरफ बहुत ही स्टीप है, जिसको हम कहते हैं तीव्र ढाल है, लेकिन जो इसका उत्तर की तरफ ढाल है वो मंद है, अपेक्षया दक्षिणी ढाल से उत्तरी ढाल जो है वो उसका मंद है, और वहीं से उत्तरी ढाल से ही ये बहुत सारी जो हम गंगा अपवाह तंत्र की बात करते हैं, कई सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जिसमें बाद में करेंगे। एक बात और है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द विंध्यन रेंज आर कंपोज्ड आर हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ एंशिएंट पीरियड, यानी अधिकांश जो विंध्यन पर्वत है उसका जो निर्माण है वो निर्माण कैसा है, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टली बेडेड, बिल्कुल परतदार जमाव वाली औसादी चट्टानों से है उसका निर्माण। सेडिमेंटरी रॉक्स का मतलब होता है औसादी चट्टानें, तो औसादी चट्टानों का बिल्कुल क्षैतिज परतें बिछी हुई हैं जो प्राचीन काल की हैं, उनके द्वारा निर्मित हैं पूरा विंध्यन माउंटेन। दिस रेंज एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा सिस्टम एंड द रिवर सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया। अगर आप मानचित्र को देखें तो आपको अपने आप दिखेगा कि इस मानचित्र में ये जाहिर हो रहा है कि ये जो दीवार स्वरूप विंध्यन पर्वत है, ये पूरा दीवार स्वरूप विंध्यन पर्वत जाहिर है इससे हिस्से माने उत्तरी हिस्से और दक्षिणी हिस्से के बीच में, इस वाले हिस्से के और इस वाले हिस्से के बीच में क्या है,
एक डिवाइड की तरह है, एक विभाजन की तरह है, और वो क्या करता है, ये वाटर डिवाइड है, जल विभाजक की तरह काम करता है। इधर से निकलने वाली नदियाँ इधर और इधर से निकलने वाली नदियाँ इधर, यानी विंध्य पर्वत के उत्तर से निकलने वाली नदियाँ जिसमें हम जानते हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि नदियाँ हैं, वो इसके उत्तरी ढाल से निकलकर और गंगा के अपवाह तंत्र में मिक्स हो जाती हैं, उसमें शामिल हो जाती हैं। जबकि इससे दक्षिणी से निकल के नदियाँ, चाहे जो दक्षिणी अपवाह तंत्र है, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे वो महानदी हो, इस तरह की जो नदियाँ हैं उनके अपवाह तंत्र को गंगा के अपवाह तंत्र से अलग करता है। ये बहुत जरूरी चीज है। रिवर चंबल, बेतवा, केन, सोन एटसेट्रा राइजेस फ्रॉम द नदर फ्लो, वही जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये सारी नदियां इसके उत्तरी ढाल से निकलकर और गंगा के अपवाह तंत्र का हिस्सा बन जाती हैं। और यही नदियां खासतौर से सोन, जिसके बारे में कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि गंगा अपवाह तंत्र की कौन सी ऐसी नदी है जो डायरेक्ट आके गंगा में मिलती है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे सोन। बाकी नदियां जो है वो ये चंबल में मिलते हुए आगे जो है वो यमुना से मिल जाती हैं और यमुना का हिस्सा बन के फिर गंगा में जाती हैं। सोन ऐसी नदी है जो डायरेक्ट अपने आप जो है वो गंगा में मिल जाती है। इस तरह से हम विंध्य पर्वत के बारे में एक जनरल डिस्कशन ये था। इसी क्रम में हम आगे और बात करेंगे एक दूसरे पर्वत की, जिसको हम सतपुड़ा रेंज के नाम से जानते हैं, सतपुड़ा पर्वत के नाम से जानते हैं। सत माने सात, यहाँ लिखा हुआ है सतपुड़ा रेंज इज ए सीरीज ऑफ सेवन माउंटेन, सात पर्वतों की श्रृंखला है, इसीलिए इसको सत, सत माने सेवन एंड पूरा मीन्स माउंटेन्स, सात पर्वतों की श्रृंखला है, इसीलिए इसका नाम जो है वो सतपुड़ा पड़ा हुआ है। इसकी जो लोकेशन है, अगर आप मानचित्र में देखें एक बार दोबारा, तो आपको लगेगा कि ये जो सतपुड़ा पर्वत है, ये देखिए सतपुड़ा, ठीक है। इस सतपुड़ा पर्वत के इधर एक नदी बहती हुई, आपको ये नीली से ग्रीन से लाइन दिख रही है, और उसके बाद एक इधर से नदी दिख रही है, यानी इधर नर्मदा और इधर ताप्ती, इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है ये पर्वत, जिसे हम सतपुड़ा पर्वत कहते हैं। तो यहाँ आप देखें कि इट रन्स इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन साउथ ऑफ द विंध्यास, ठीक है, पैरेलली, यानी विंध्या के दक्षिण में, ये बिल्कुल पूर्व पश्चिम दिशा में, जैसे विंध्या का विस्तार है पूर्व पश्चिम में विंध्याचल पर्वत का, वैसे ही सतपुड़ा पर्वत का भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में विस्तार है। कैसा है कि बिल्कुल नर्मदा और ताप्ती रिवर के पैरेलली ये बहता है, इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है सतपुड़ा पर्वत, एक तरफ उत्तर की तरफ नर्मदा नदी और दक्षिण की तरफ ताप्ती नदी, इन दोनों नदियों के बीच में लगभग समानांतर रूप से इसका विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में है। कितने किलोमीटर, लगभग 900 किलोमीटर की लंबाई में, यानी विंध्याचल पर्वत की लंबाई ज़्यादा है और सतपुड़ा पर्वत की लंबाई विंध्याचल की तुलना में कम है। अब ये शुरू जब होता है, तो अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाएं, तो गुजरात यहाँ राजपीपला से शुरू होकर महादेव, मैकाल, राजमहल तक इसका विस्तार पहुँच जाता है। ये वो सारी पहाड़ियाँ हैं जो श्रृंखलाबद्ध रूप से एक साथ जुड़ी हुई होते हैं, आगे इनका नाम बदल जाता है। तो कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि नर्मदा नदी के जो उत्तर में पर्वत है वो कौन सा है, या दक्षिण में है वो कौन सा है, और इन पर्वतों के अलग अलग नाम क्या हैं। तो विंध्याचल का नाम, जैसे हमने विंध्याचल और कैमूर वगैरह देखा, उसी तरह से यहाँ भी आप देखें कि महादेव, मैकाल, राजमहल, इसका कभी कभी कंपटीशन में श्रृंखला पूछी जाती है कि इसको पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब में इसको अरेंज करिए, इसका नाम क्या है। आप ध्यान रखें कि राजपीपला, महादेव, मैकाल और राजमहल इस तरह से पश्चिम से पूरब में लिखा हुआ, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ इनका क्रम है, इसको ध्यान में रखिएगा। पार्ट्स ऑफ द सतपुड़ा हैव बीन फोल्डेड एंड अपहीव्ड, यानी सतपुड़ा पर्वत का काफी सारा हिस्सा ऐसा है जो फोल्डेड है, यानी मोड़दार है। मोड़दार तब होता है जब उससे प्रेशर पड़ता है, आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, भौतिक भूगोल में, तो जब दबाव पड़ता है तब वो फोल्ड होता है और वो अपहीवल भी होता है। अपहीवल का मतलब उत्थान, जिसको हम कह सकते हैं ऊपर निकलना, बकलिंग हो जाना। जब प्रेशर पड़ता है प्लेटों का, तो प्लेटों के साथ बीच में जो मटेरियल होता है वो उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से उसमें मोड़ पड़ जाता है, यानी फोल्ड पड़ जाता है, और उसका अपहीवल भी, यानी उत्थान भी उसका हो जाता है, ऊपर उठाव भी हो जाता है। ऐसे ही है, जैसे दे आर रिगार्डेड एज स्ट्रक्चरल अपलिफ्ट आर होस्ट, हमने कल परसों ये बात की थी इससे पहले के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, कि होर्स एंड ग्रेवन की हमने बात की थी। तो जो ऊपर हुआ उठा हुआ हिस्सा होता है उसको हम होर्स कहते हैं, जो गहरी घाटियाँ होती हैं दो चट्टानों के बीच की उसको हम ग्रेवन कहते हैं।
तो ये होर्स का जो निर्माण होता है हो सकता है किसी हिस्से के अपलिफ्ट की वजह से हो जाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो हिस्सा तो उसी जगह पे हो लेकिन साइड के दो हिस्से नीचे दब जाए तो ऊपर उठा हुआ हो जाता है, उसी को हम होर्स कहते हैं। तो ये पर्वत भी ऐसा लगता है सतपुड़ा कि एक तरफ नर्मदा नदी धंस गई है, दूसरी तरफ ताप्ती नदी धंस गई है, बीच में उठा हुआ हिस्सा जो है वो है होर्स के रूप में और वही सतपुड़ा पर्वत है। ये इस पूरे एरिया में मध्य भारत में एक बड़ी खास चीज है यहाँ की कि ये जो सतपुड़ा पर्वत है वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ एक पंचमढ़ी हिल है, पंचमढ़ी पहाड़ी है महादेव का जो खंड हमने यहाँ देखा, महादेव का महादेव जो खंड है इसका सतपुड़ा पर्वत का, उस महादेव खंड का जो पंचमढ़ी हिल है वही एक जगह है जिसका नाम है धूपगढ़। तो धूपगढ़ की जो चोटी है वो इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई यहाँ आप देख रहे हैं 1350 मीटर है, ठीक है, हिल का हाईएस्ट पीक। तो ये जो है कभी कभी ये पूछा जाता है कि धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में है, सतपुड़ा या विंध्य, एक क्वेश्चन ये, या सतपुड़ा के किस खंड में है, तो आप इस महादेव का जरूर याद रखिएगा। पंचमढ़ी तो अक्सर याद रहता है, पिकनिक स्टेशन, बड़ा खूबसूरत जगह है पंचमढ़ी, लोग जाते हैं वहाँ, चूंकि ऊंचाई पर है तो ठंडा सा मौसम होता है, तो बड़ा खूबसूरत सी जगह है पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी को मालूम है। लेकिन तो पंचमढ़ी किस खंड में है, तो कभी कभी कंपटीशन में ये पूछा जाता है, तो आप महादेव हिल का नाम याद रखिएगा, वहीं धूपगढ़ की चोटी स्थित है जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है जिसकी ऊंचाई 1127 मीटर है, ये दूसरी ऊंची चोटी है इस सतपुड़ा पर्वत की। इसी अमरकंटक की पहाड़ियों से ही नर्मदा नदी का की उत्पत्ति होती है, ये कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, तो आप इसका ध्यान रखना। एक बड़ी यूनिक चीज पाई जाती है यहाँ, वो यूनिक चीज क्या है कि यहाँ प्रवाहित होने वाली जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी के द्वारा एक बहुत अच्छे जलप्रपात का निर्माण हुआ है जबलपुर में, जबलपुर के पास भैरागढ़ जो है, तो भैरागढ़ में स्पेशली एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार। ये धुआंधार जलप्रपात है, तो जब ये नदी ऊपर से बहती हुई पहाड़ी से नीचे गिरती है तो वहाँ संगमरमर की चट्टाने हैं, संगमरमर की चट्टानों पर जब पानी गिरता है तो पानी खूब ऊपर उठता है, तो वहाँ फॉग टाइप का ऊपर निकलता है, वो चट्टाने नीचे सफ़ेद हैं, तो सफ़ेद चट्टानों की वजह से ये जो झरना गिरने के बाद पानी ऊपर आता है उसका जो फॉग होता है उसमें और ज़्यादा दूधिया रंग आ जाता है, बिल्कुल मिल्की जिसको हम कहते हैं, तो मिल्की टाइप का वो एकदम वहाँ बन जाता है उस पत्थर संगमरमर की वजह से। तो उसीलिए उसको धुआं का मतलब होता है स्मोक, धुआं जिसको हम कहते हैं, और धार का मतलब होता है फ्लो, धुएं का फ्लो होना, तो वो पानी जो है ऐसा लगता है कि धुएं की तरह उड़ रहा वहाँ सब कुछ, और नीचे संगमरमर की चट्टाने हैं, उन चट्टानों की वजह से इसकी वाइटनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात कहते थे। कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि किस नदी पे है और कहाँ है, ये भैरागढ़ में जो है जबलपुर के पास है ये धुआंधार जलप्रपात, ये बड़ी एक यूनिक चीज़ है। तो आमतौर पे ये उस पंचमढ़ी के साथ साथ धुआंधार जलप्रपात भी बड़ा पिकनिक स्पॉट है जहाँ लोग जाते हैं और बड़ी खूबसूरत सी जगह है। ये जलप्रपात अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण जलप्रपात है मध्य भारत का, खासतौर से ये सतपुड़ा रेंज का, तो इस तरह से एक जलप्रपात यहाँ पाया जाता है। बाकी सारी एरियाज ऐसे हैं जहाँ खास तौर से टीक और साल के जंगलों का भी विस्तार है वहाँ पाया जाता है, इसलिए अधिकांश ट्राइबल पॉपुलेशन भी इस एरिया में निवास करती है। तो ये बातें थी हमारी प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत और पहाड़ियों के संदर्भ में, हमने तीन पर्वत आपसे डिस्कस किए, अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा। अब जो पर्वतीय भूभाग बच रहे हैं वो हमारे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हैं, उनका डिस्कशन हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।